खतरों के खिलाड़ी। जी हाँ, आप हो जाइए एंटरटेनमेंट और एडवेंचर के लिए तैयार, क्योंकि खतरों के खिलाड़ी सीज़न 12 आने वाला है। जी हाँ, ये शो नया तो नहीं है, आप सब लोग जानते हैं और आप सब लोग ही खतरों के खिलाड़ी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। एडवेंचर से भरपूर रहता है और बहुत ही जाने माने चेहरे और पॉपुलर सेलिब्रिटीज़ शो में हिस्सा लेते हैं और ख़तरनाक स्टंट करते हुए नज़र आते हैं। तो फ्रेंड्स, कलर्स टीवी पर डांस दीवाने जूनियर ख़त्म होते ही खतरों के खिलाड़ी का सीज़न नंबर 12 शुरू होने वाला है। और जैसे ही खतरों के खिलाड़ी की अनाउंसमेंट हुई है, हर इंसान जानना चाहता है कि उसमें कौन कौन से पॉपुलर चेहरे और सेलिब्रिटीज पार्टिसिपेट करने वाले हैं और कब शुरू होने वाला है खतरों के खिलाड़ी, कब हमें टीवी पर देखने को मिलेगा। सब कुछ बताएंगे आज आपको खतरों के खिलाड़ी के बारे में, तो आप बने रहिए मेरे चैनल पर्सनैलिटी तक के साथ। तो खतरों के खिलाड़ी की अनाउंसमेंट होते ही कुछ पॉपुलर चेहरों के नाम सामने आ रहे हैं। सबसे पहला नाम आ रहा है रुबीना दिलैक का। जी हाँ, द विनर ऑफ बिग बॉस सीजन 14 रुबीना दिलैक इज नाउ गोइंग टू पार्टिसिपेट इन खतरों के खिलाड़ी सीजन 12। और बिग बॉस में भी हमने रुबीना दिलैक को टास्क करते हुए देखा था और वो काफी एंटरटेन करती है, जी तोड़ मेहनत करती है और इसीलिए ही खतरों के खिलाड़ी में भी रुबीना दिलैक को पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जा रहा है और उन्होंने खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 को ज्वाइन करने की अपनी कंफर्मेशन दे दी है। जी हाँ, रुबीना दिलैक नजर आने वाली है खतरों के खिलाड़ी सीजन नंबर 12 में। अगला चेहरा जो खतरों के खिलाड़ी के लिए कंफर्म हुआ है वो है शिवांगी जोशी। जी हाँ, शिवांगी जोशी को आप नायरा के नाम से जानते हैं। उन्होंने बहुत ही बड़ा शो और बहुत ही ज्यादा पॉपुलर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है काफी टाइम तक किया है और लोगों को एंटरटेन किया है। हालांकि अभी हाल ही में वो बालिका वधू में नजर आ रही थी, बट उस शो में वो कुछ ज्यादा धमाल नहीं कर पाई, बट उन्होंने खतरों के खिलाड़ी में आने की अपनी कन्फर्मेशन डिस्क्लोज कर दी है। जी हाँ, शिवांगी जोशी भी खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 का पार्ट होने वाली हैं। तीसरा नाम जो खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 में भाग लेने वाला है वो है मिस्टर फैजू। जी हाँ, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, टिकटॉकर, यूट्यूबर, आप उनको किसी भी नाम से बुला सकते हैं और फैजू को यंग जनरेशन काफी ज्यादा फॉलो करती है और फैजू यानी कि फैजल शेख भी खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 का पार्ट होने वाले हैं। तो ये शो तो वैसे भी थ्रिल, एक्शन और एडवेंचर से भरा हुआ होता है और फैजू को अब नाच गाने के अलावा एडवेंचरस टास्क और खतरों से खेलते हुए देखना काफी दिलचस्प होगा। जी हाँ, खतरों के खिलाड़ी के लिए नेक्स्ट चेहरा है श्रिति झा। और श्रिति झा काफी पॉपुलर हुई थी अपने शो कुंडली भाग्य से और उन्होंने इसके अलावा भी काफी सारे शोज किए हैं और लोगों को एंटरटेन किया है। अब वो पार्टिसिपेट करने वाली हैं कलर्स के रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी में, तो ये चेहरा भी हमें देखने को मिलेगा और बड़ा मज़ा आने वाला है उनको भी खतरों से खेलते हुए देखकर। उसके बाद आपको बता देते हैं कि राजीव अदातिया, जिन्होंने बिग बॉस सीजन 15 में पार्टिसिपेट किया था और अपने अनोखे अंदाज से लोगों को काफी मनोरंजन दिया था, वही राजीव अदातिया भी खतरों के खिलाड़ी में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। और सूत्रों की माने तो उन्होंने लंदन से इंडिया की फ्लाइट पकड़ ली है और बहुत ही जल्दी वो हमें खतरों के खिलाड़ी में नजर आने वाले हैं। उसके बाद जो एक नाम कन्फर्म हुआ है वो है चेतना पांडे। चेतना पांडे को आपने एस ऑफ स्पेस में देखा था और एस ऑफ स्पेस में भी उन्होंने अपनी छाप छोड़ी थी और अब देखना बाकी है कि वो स्टंट बेस्ड रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी में क्या धमाल मचाती हैं। जी हाँ, चेतना पांडे का नाम भी खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 के लिए कंफर्म हो गया है। उसके बाद जो अगला चेहरा हमें नजर आने वाला है वो है तुषार कालिया। जी हाँ, बहुत ही ज्यादा पॉपुलर कोरियोग्राफर और डांसर तुषार कालिया, जिन्होंने हाल ही में शादी भी की है, वो भी खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 में नजर आने वाले हैं। उसके बाद आते हैं सबके चहेते मुनव्वर फारूकी। जी हाँ, लॉकअप सीजन 1 को जीत कर मुनव्वर फारूकी ने एक इतिहास रच दिया है और मुनव्वर फारूकी ने इतनी जल्दी और इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग बनाई है और अब वो नज़र आने वाले हैं खतरों के खिलाड़ी में। उनके साथ साथ ही लॉकअप के अदर कंटेस्टेंट यानी कि प्रिंस नरूला भी खतरों के खिलाड़ी में नज़र आने वाले हैं और लॉकअप शो के अंदर भी उनकी दोस्ती काफ़ी गहरी थी और काफ़ी लोगों ने पसंद की थी। अब ये दोनों ही दोस्त खतरों के खिलाड़ी में नजर आने वाले हैं एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर लॉट्स ऑफ एंटरटेनमेंट। उसके बाद जो एक नाम कंफर्म हुआ है वो है प्रतीक सहजपाल। जी हाँ, बिग बॉस में रनर अप रहे प्रतीक सहजपाल भी खतरों के खिलाड़ी में नजर आने वाले हैं। इसके साथ साथ एक नाम जो कि बहुत लोग काफी टाइम से वेट कर रहे थे वो है एरिका फर्नांडिस। एरिका फर्नांडिस को
खतरों के खिलाड़ी और बिग बॉस दोनों की तरफ से काफ़ी टाइम से अप्रोच किया जा रहा था और इस बार उन्होंने सीजन 12 के लिए अपनी कंफर्मेशन दे दी है। और आपको बता देते हैं कि खतरों के खिलाड़ी केप टाउन में होने वाला है और उसकी शूटिंग मिड में शुरू हो जाएगी और जुलाई में वो ऑन एयर हो जाएगा और हमें टीवी पर देखने को मिलेगा। सो आई होप खतरों के खिलाड़ी हमें काफ़ी एंटरटेन कर पाए और इसी तरह की मज़ेदार वीडियोज़ के लिए आप बने रहिए मेरे चैनल पर्सनैलिटी तक के साथ। फिर मिलती हूँ आपसे, बाय।